मंदिर के न्योते को अस्वीकार कर दिया है। उनका कहना है कि ये आरएसएस का इवेंट है, इसमें मैं नहीं जाऊंगी। आरएसएस का कार्यक्रम बताकर इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार किया गया है। पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष के कौन कौन नेता इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। रवि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कहा जाए, कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया, मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मार दी या कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया, कैसे समझे जाए इसको? फिलहाल ये अस्वीकार कर दिया गया है न्योता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो स्टेटमेंट जारी करके साफ तौर पे कहा गया है कि ये जो है आरएसएस का इवेंट है और आरएसएस के आयोजन में हम लोग कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। और इसमें सफाई भी दी गई है कि राम, लॉर्ड राम इज अ वर्ल्ड इज वर्शिप्ड बाय मिलियंस इन आवर कंट्री, रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर, बट द आरएसएस बीजेपी हैव लॉन्ग मेड अ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ऑफ द टेम्पल इन अयोध्या, द इनॉग्रेशन ऑफ द इनकम्प्लीट टेम्पल, इसको इनकम्प्लीट भी बताया गया, द इनॉग्रेशन ऑफ द इनकम्प्लीट टेम्पल बाय द लीडर्स ऑफ बीजेपी एंड द आरएसएस हैज बीन ऑब्वियसली ब्राउट फॉरवर्ड फॉर इलेक्ट्रल गेन, मतलब चुनावी फायदे के लिए आरएसएस और बीजेपी के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इस वजह से हम इस कार्यक्रम में जाने से मना करते हैं, इसका न्योता अस्वीकार करते हैं। और आप ठीक कह रही हैं कि अगर पॉलिटिकली इसको समझा जाएगा तो कोई भी कहेगा कि इस पे पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी गई है, कुल्हाड़ी पर पैर कांग्रेस पार्टी ने रखा है अगर इस तरह से देखा जाए तो। और मैंने कहा था आपको, दीपक जी ने, मुझे याद है कि उस दिन सवाल पूछा था मुझसे कि रवि बताइए कि 5 मिलियन ट्रिलियन का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मुझसे, और मैंने कहा था कि दीपक जी मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस कार्यक्रम में जाएंगे, इसकी संभावना बहुत ही कम है और शायद वही हुआ है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस विचारधारा को लेकर चलती है, जिस सोच को लेकर चलती है, उसमें उनको ऐसा लगता है कि यहाँ जाने से, इस कार्यक्रम में जाने से ये माना जाएगा कि उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के कार्यक्रम में शिरकत की है। ये नहीं मान के चल रहे हैं कि ये राम से जुड़ा मामला है, 500 साल का इतिहास बदल रहा है और इसको कहीं ना कहीं जनमानस में जिस तरह की फीलिंग है वो शायद उनकी जानकारी में नहीं है। और पार्टी का लाइन है, पार्टी के लाइन पर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तय किया है, उस वजह से इस लाइन को लिया गया है। जाहिर सी बात है रवि त्रिपाठी, जो चर्चा हम कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत अहम फैसला है, और तब जब 2024 का चुनाव सिर पर खड़ा हुआ है, अप्रैल मई में मतदान होना है, और कुछ भी कहिए आप, कितना भी बीजेपी को कहिए कि हिंदुत्व की राजनीति करती करती, लेकिन हिंदू वोट जो है वो बहुसंख्या में है। ऐसे में एक पूरे बड़े वोट बैंक को लेकर इतना बड़ा रिस्क लेना, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। अब इसमें हार होती है जीत होती है ये अलग की बात है, लेकिन फिलहाल तो यही कहा जाएगा कि ये फैसला बेहद हैरानी भरा है मेरे लिए। अब इसको आप कहें कि दाव खेला है या फिर ये कहिए कि वॉकओवर खेला है, ये भी कहा जा सकता है कि इस चुनाव से पहले जिस तरह का माहौल है पूरे देश में, उस माहौल में इस तरह का निर्णय लेना कहीं ना कहीं घातक होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं से हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो खुले तो तौर पर तो नहीं लेकिन बंद जुबान से ये जरूर कहते हैं कि हमें इस कार्यक्रम में शरीक होना चाहिए था, लेकिन चूंकि पार्टी आला कमान और पार्टी हाई कमान का ये फैसला है कि इसमें कार्यक्रम में नहीं जाना है, और नहीं जाने के पीछे जो रीजन दिया जा रहा है कि इसका चुनावी फायदा बीजेपी उठाना चाहती है, आरएसएस बीजेपी का ये कार्यक्रम है, और भगवान राम तो करोड़ों लोग की श्रद्धा रखते हैं और उसमें कभी भी जा सकते हैं। आप देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 तारीख को कांग्रेस के कुछ नेता वहां जाने का प्लान बना रहे थे, यूपी के जो इंचार्ज है वो, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष और कुछ नेताओं के जाने का प्लान भी वहां है, लेकिन अब ऐसी स्थिति में शायद ये प्लान कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पार्टी ने तय कर लिया, और पार्टी क्या, सोनिया गांधी ने तय किया, राहुल गांधी ने तय किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तय किया। हाँ। तो अब इसके बाद पार्टी के नेताओं की लाइन अलग हो जाएगी और इस पे अब वोट क्या मिलेगा, देखिए सब कुछ जनता पर निर्भर करता है। जनता अगर कांग्रेस के फैसले को मानती है कि कांग्रेस ने सही फैसला लिया है तो सही फैसला माना जाएगा, जनता जनार्दन आज की डेट में कहा जाता है लोकतंत्र में। और अगर जनता इनको नकार देती है तो पार्टी, कुल मिलाकर इसको ऐसे समझना चाहिए कि बैठे बिठाए बॉल जो है वो बीजेपी के पाले में कांग्रेस ने फेंक दी है कि आईएस आप छक्का मारिए इस पर और आगे बढ़ जाइए, और तब जब चुनाव एकदम नजदीक है। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह भी है कि कर्नाटक में अभी कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया कि 22 जनवरी को, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, सभी मंदिरों में पूजा अर्चना की जाएगी। अब दूसरी तरफ कांग्रेस आला कमान यह फैसला लेता है, इसको कैसे समझा जाए? नहीं देखिए, कर्नाटक में आप गौर कीजिएगा, जब हनुमान और बजरंग बली का मुद्दा आया था तो उस समय कर्नाटक सरकार के मंत्रियों ने कहा था कि हम उनसे ज्यादा हनुमान के मंदिर बनवाएंगे,
उन्होंने हनुमान का मंदिर तोड़ा है, बजरंगबली का मंदिर तोड़ा अपने सरकार के दौरान, और ये तक प्रॉमिस किया गया था क्योंकि उस मुद्दे को उनको कहीं ना कहीं खत्म करना था। लेकिन आज की तारीख में इस तरह का लाइन लेना, देखिए अब लाइन लेने के पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो अलग है कि बीजेपी और आरएसएस का इवेंट, मतलब चूंकि आरएसएस से जोड़ के इस इवेंट में हमें नहीं जाना है, तो ये तर्क कांग्रेस पार्टी के विचार की लाइन हो सकती है कि आरएसएस से आपने दूरी बना रखी, आरएसएस के विचार से दूरी बना रही है। अभी कांग्रेस पार्टी में चर्चा हो रही थी कि उनने जब राजीव गांधी ने ताला भी खुलवाया था अपने सरकार के दौरान इसी राम मंदिर का, और अपना कैंपेन जो 89 का शुरू किया था, 89 में चुनाव हारे थे फोर्थ वाले मामले के समय में, बावजूद इसके 89 में जब उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया था तो इसी अयोध्या से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी राजीव गांधी ने।